Hi guys, welcome to my channel SPARX STENOGRAPHER, जहां हम आपके लिए लाते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है SSC STENOGRAPHER 2016 क्वेश्चन पेपर विद आंसर इवनिंग सेशन। आज हम कवर करने हैं इवनिंग सेशन। सो गाइस, बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 क्वेश्चन पेपर इवनिंग सेशन। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन द ईयर। ऑप्शंस आर 1789, 1790, 1777 and the last 1776। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उसका इंडिपेंडेंस कब था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो है हमारा 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी। रेड आर्मी का फाउंडर कौन है? जोसेफ स्टेलिन, मैक्स वेबर, लियोन ट्रॉटस्काय एंड वेल्डिमर लेनिन। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, अब हम आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है लियोन ट्रॉटस्काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली में कब ट्रांसफ़र हुई थी? तो ऑप्शंस हैं आपके 1945-47, 1950, 1910 and 1911। तो आपका करेक्ट आंसर है टी 1910-11। ठीक है, 1911 में हमारी जो इंडिया का कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली हुआ था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ विश्वतावादिता वाज प्रीच्ड बाय। ऑप्शंस आर शंकराचार्य, मध्वनाचार्य, कपिला एंड रामानुजाचार्य। तो आपका सही आंसर है डी रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले इन 1748 वाज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ। जो आपकी ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले है, जो कि 1749 में हुई थी, वो उसका जो एंड ऑफ द वॉर था वो कौन सा था? द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, द बैटल ऑफ पैसले, द फर्स्ट कर्नाटका वॉर एंड द सेवन ईयर्स वॉर। करेक्ट आंसर इज द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल की यूनिट क्या होती है? हॉर्स पावर, हर्ट्स, जूल, नॉट्स। तो करेक्ट आंसर है आपका नॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सेलिंग मीन्स। लैंड सेलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नॉट अलाउइंग अदर्स टू एंटर एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कवरिंग द लैंड विद अ शीट, पुटिंग फेंस फॉर अ प्लॉट। तो आपका सही ऑप्शन है फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज इज कॉल्ड द आयरन लॉ ऑफ वेजेस। ऑप्शंस हैं आपके रेसिडुअल क्लेमिनेंट थ्योरी, सब्सिस्टेंस थ्योरी,
wage fund theory, and the last marginal productivity theory. तो आपके सही आंसर हैं सी, वेज फंड थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप इंश्योरेंस कम्स अंडर, जो आपकी क्रॉप इंश्योरेंस है वो कब आई थी, किसके अंदर आती है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. The correct answer is D, General Insurance Corporation. Next question, the demand curve for Veblen goods. जो आपका demand curve है किसका, Veblen goods का, वो कैसा है, it's horizontal, it's vertical, has a positive slope, has a negative slope. The correct answer is has a positive slope. Next question. If an economy's production possibility frontiers shift to the right, it would mean. Options are a fall in source utilization, economic growth, increasing opportunity cost, decreasing opportunity cost. And the correct answer is B, economic growth. Next question, how many types of writs are there? आपको पता होने चाहिए, ये हमारा पॉलिटी को कवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. रिट्स आपके कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं, 5, 6, 3, 4. एंड द करेक्ट आंसर इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर 93rd अमेंडमेंट एक्ट. 93 अमेंडमेंट एक्ट में किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, 6 to 14, 6 to 15, 0 to 10 और 6 to 12. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, 6 to 14 ईयर्स. नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडियन अंडर. फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से पार्ट में हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश डायरची इन द provinces. Options are Government of India Act 1919, Pitt's India Act 1784, Government of India Act 1935, the last Regulating Act 1773. The correct answer is A, Government of India Act 1919. Next question, which president of the United States of America coined the term United Nation? Options are John F. Kennedy, Garfield, F.D. Roosevelt, Jimmy Carter. And the correct answer is C, F.D. Roosevelt. Next question, dekh lete hain. कॉस्मिक रेज आर कमिंग फ्रॉम. कॉस्मिक रे आपकी कहाँ से आती हैं, ऑप्शंस हैं आपके इंटरस्टेलर पेस, साइटोक्रोनोट्रॉन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरस्टेलर स्पेस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स परमामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एंड कोबाल्ट. आंसर आपका सही है ए, एल्यूमिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय डूइंग डॉपिंग प्योर सिलिकॉन विद.
boron and phosphorus, indium and sodium, sodium and magnesium, and the last phosphorus and boron. And the correct answer is phosphorus and boron. Anik uses the concept of ENIAC. Kiska concept hai? Parallel programming, multi-threading, multi-programming, storage program. The answer is D, storage program. Next question. High capacity computers with hundreds of thousands of processors that can perform more than 1 trillion calculations per second called warp workstations, supercomputers, desktop computers, laptop computers. So answer hai aapka B, supercomputers. Next question. The application of laws of genetics for the improvement of the human race deals with options: eugenics, 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 and all of the above. The correct answer is A, eugenics. Next, who first introduced the electrochemical cell? Electrochemical cell. James Watt, Thomas Alva Edison, Michael Faraday, Volta. And the correct answer is D, Volta. Next, the instrument gnomon was first used by gnomon. Thales, Ptolemy, Homer, Anaximander. The correct answer is D, Anaximander. Next question. Enzymes consist of chains of amino acid, carbohydrates, fatty acids, and nucleotides. And the correct answer is A, amino acids. Next question. Embryo formation from egg without fertilization is called allogamy, apospory, parthenogenesis, and parthenogenesis. तो आपके करेक्ट आंसर हैं parthenogenesis. Clear? Next question. DNA is associated with highly basic protein called options: albuminous, non-albuminous, histones, non-histones. The correct answer is C, histones. Blind spot is a point where the options hain aapke, where the vision is sharpest, where specialized photoreceptors are tightly packed, and where the optic nerve emerges. None of the above. And the correct answer is where the optic nerve emerges. C option. Next question. Which one of the following viruses was discovered first? HTLV, polio, HIV, and TMV. And the correct answer is TMV. Next, mulching helps in moisture conservation, improving soil structure, weed control, increasing soil fertility. तो आपका mulching है, सही option है इसका, moisture conservation. Next question देख लेते हैं. The numerous circular pits found in the keratin region are called options hain stalagmites, sinkholes, caves, stalactites. And the correct answer is B,
sinkholes. Next option, next question देखते हैं. Which of the following is correctly match? Rivers पूछी हैं और उनके origin पूछे हैं. जैसे कि बताया गया है राम गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सन एंड दामोदर. राम गंगा आपकी उत्तरांचल, ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर, सन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दामोदर अमरकंटक प्लेट्यू. तो इसमें आपका सही आंसर है ए, जो कि है राम गंगा उत्तरांचल में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मार्बल इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड आल्सो फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड इट्स केमिकल नेम इज ऑप्शंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट्स. नेक्स्ट, आइस्टिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू राइज एंड फॉल ऑफ लैंड मासेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लोटिंग, फॉल्टिंग, सेकेंड लार्ज स्केल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ माउंटेन्स. तो आपका सही आंसर है बी, लार्ज स्केल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चैम्पियन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज ट्राइब एंड द ऑप्शंस आर इरुला एंड टोडा, सेकेंड सहारिया अग्रसरिया, थर्ड बुटिया एंड लैपचा, फोर्थ गॉन एंड कॉर्को. एंड द करेक्ट आंसर इज डी, गॉन एंड कॉर्को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट डिड नॉट रेटिफाई द काइटो प्रोटोकॉल. ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया. And the correct answer is United States of America. Next question देखते हैं. Kuttanan or Kuttanadu in Kerala is famous for a coral island, the westernmost part point of India, a freshwater lake, the region with lowest altitude in India. Correct answer is D, the regional with longest altitude in India. Next, सही आंसर है आपका 87, डी है आपका इसमें सही आंसर, जो कि है the region with lowest altitude in India. Next question, which of the following is present in DNA but not in RNA? कौन सी आपकी ऐसी चीज़ है जो DNA में प्रेजेंट होती है बट RNA में नहीं होती? वो हैं ऑप्शंस साइटोसिन, थायमाइन, एडेनाइन एंड गुआनिन. तो आपका करेक्ट आंसर है बी, थायमाइन. नेक्स्ट देख लेते हैं. एंटी पेरस्पिरेंट जनरली कंटेन्स एन, ऑप्शंस मैग्नीशियम कंपाउंड, एल्यूमिनियम कंपाउंड, आयरन कंपाउंड एंड कैल्शियम कंपाउंड. एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है आपका? ओजोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया. एंड द करेक्ट आंसर इज ओजोन, जिसे हम O3 बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉमी एमन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. एंड द करेक्ट आंसर इज हॉकी. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व ऑन?
इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजी कल कब हम मनाते हैं? कब? 22nd मई, 25th मई, 5th मई एंड 10th मई. तो आपका करेक्ट आंसर है 22nd मई. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द ईमेल? ईमेल हमारी किसने इन्वेंट की है? ऑप्शंस आर जैक डॉर्से, लैरी पेज, टिम बर्नर्स ली, आर एस टॉमलिसन. देन द करेक्ट आंसर इज डी, आर एस टॉमलिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हार्ट ऑफ इंडिया? इंडिया, मीरा, साइल, गीता मेहरा, मार्क टुली, रश्किन बॉन्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, मार्क टुली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड लीस्ट करप्ट इन द कॉरपोरेशन प्रिसिपिटेशन प्रिसिप्शन इंडेक्स 2015? बेसिकली ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हम कवर कर लेते हैं. चाइना, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल. तो करेक्ट आंसर है आपका डेनमार्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू फेस ड्रम मेड ऑफ मड. उसे क्या बोला जाता है? तबला, मदालम, ढोल या खोल. ऑप्शन है आपके खोल, के एच ओ एल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर इन इंडिया ब्रॉट आउट द फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द लास्ट द हिंदुस्तान टाइम्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द हिंदू. सबसे पहले आपका हिंदू ही आया था और हिंदू में से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसे पढ़ना ना भूलें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, केरला. तो ऑप्शन आपका है सही केरला. केरला में सबसे लॉन्गेस्ट चर्च है जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पलघट मनी अय्यर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शंस आर ढोलक, मृदंगम, घटम एंड कंजीरा. द करेक्ट आंसर इज मंदिर, मरिदंगम, मरिदंगम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल? कौन से ईयर में जीता था? 1928, 1930, 1935, 1925. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1928. तो गाइस, ये थे हमारे जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि थे इवनिंग शिफ्ट 2016 के, जो हमने कवर करे हैं. सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करना ना भूलें. अगर इन केस आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और आप चाहते हैं हम ऐसे ही और आपके लिए वीडियोस लाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं.